आध्यात्मिक एवं सेवा फाउंडेशन की ओर से पर्यावरण संरक्षण संगठन द्वारा पर्यावरण वन एवं जीव सृष्टि संरक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्यालय नवाबगंज में सैकड़ों लोगों ने मिलकर प्रकृति वंदन की। पर्यावरण और वृक्षों की उपयोगिता बताते हुए वक्ताओं ने वृक्षों को जीवन का अभिन्न अंग बताया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राज्य मंत्री नीलिमा कटियार, विधायक सुरेंद्र मैथानी और सीएम डॉक्टर अनिल मिश्रा समेत महापौर ने भी हिस्सा लिया। सभी ने प्रकृति वंदन कर प्रकृति का आभार व्यक्त किया। पर्यावरण संरक्षण समिति के लिए प्रकृति बंधन का जो यहाँ प्रोग्राम था उसमें हम लोग सब लोग आए। देखिए, ये आपको मैं बता दूँ, हमारे यहाँ जितने भी वृक्ष हैं सब में कोई न कोई वास करता है। जितने भी पीपल है हम लोग उसको धनी देवता मानते हैं, तुलसी में हम लोग ठाकुर महाराज को मानते हैं। तो इस तरीके से तमाम जितने हमारे वृक्ष हैं उसमें हमारे एक एक में हर एक में वास है। तो हम लोगों को हमेशा अपने जीवन के साथ जो प्रकृति के को जो जहाँ देखिए प्रकृति का खिलवाड़ हुआ, मुझे तो आध्यात्मिक चीज़ें बहुत याद थी। मुझे पता है जब आज के मैं 20 साल पहले वहाँ गई थी केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमुत्री, जब मैं वहाँ गई थी तो लोग वहाँ जाते थे पूजा और पाठ के उससे, लेकिन अब लोग जब वहाँ जाने लगे प्रकृति से खेल किया, तो आप लोगों के सामने है कि उसका जीता जागता सबूत पूरे देश में। तो आज हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा फाउंडेशन पर्यावरण गतिविधि संरक्षण गतिविधि के संयुक्त तत्वाधान में आज का कार्यक्रम प्रकृति वंदन का कार्यक्रम किया गया है। यह कार्यक्रम समाज में प्रकृति के प्रति लोगों का जन जागरण बढ़े, इसलिए आज कानपुर महानगर में लाखों लोग आज इस कार्यक्रम को कर रहे हैं।